हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग फरवरी 2023 की, और आपको बताने की कोशिश करूँगी कैसा रहेगा ये आने वाला महीना आपकी ज़िंदगी में, क्या बदलाव लेकर ये आ रहा है, पर्सनली, प्रोफेशनली, हेल्थ वाइज एंड ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी आपकी, आपके राशि के अनुसार। तो आज की ये जो रीडिंग है ये मैं करने जा रही हूँ अर्थ साइन की टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के लिए, और आप इसको अपने मून साइन के बेसिस पे देख सकते हैं। ऑलराइट, तो रीडिंग शुरू करने से पहले जरूर बताना चाहूंगी गाइस कि एक जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। ये टाइमलेस भी है क्योंकि आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे इससे आपको गाइडेंस मिल सकती है, तो आप इस रीडिंग को एज अ रेफरेंस देख सकते हैं। और हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं रीडिंग, और हम शुरू करेंगे रीडिंग सबसे पहले मेजर आर्काना कार्ड से। मैं यहाँ से आपके हर एक पॉइंट के लिए कार्ड निकालूंगी और आपको बताने की कोशिश करूंगी कि कैसा रहने वाला है। ऑल राइट, लेट्स सी। तो पहला कार्ड मैं जो निकालूंगी, मेजर आर्काना कार्ड, सबसे पहला जो कार्ड निकलेगा वो निकलेगा आपके पर्सनल लाइफ को लेकर, उसके बाद मैं निकालूंगी आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, फिर आपकी हेल्थ को लेकर, और एक ओवरऑल कार्ड। ऑल राइट, तो फिर हम देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक कौन सा है। तो सबसे पहला कार्ड है आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, ये मेजर आर्काना कार्ड। वी हैव द हाई प्रीस्टेस, वाओ, ओके। चलिए देखते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कौन सा कार्ड आता है, लेट्स फाइंड आउट। ओके, वी हैव द एम्प्रेस, वेरी नाइस। चलिए देखते हैं आपके हेल्थ के लिए कौन सा कार्ड आता है, वी हैव टावर। आप में से यहाँ पे कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका, अगर आपका मून साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि अर्थ साइन में आता है, तो माइट बी आपका सन साइन हो सकता है एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई हो, कोई एक साइन तो आपका एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई है। ऑलराइट, और ये है आपकी ओवरऑल ब्लेसिंग, यानी कि ओवरऑल आपके लिए महीना कैसा रहेगा। डेविल का कार्ड आया है यहाँ, बॉटम से आया है सन का कार्ड। पहले हम कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, फिर मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी कि क्या है। अब हम थोड़े से एनर्जी ओरेकल डेक से कार्ड लेते हैं। ऑलराइट, वी हैव एंजल ऑफ लव, वाओ, फॉर योर पर्सनल लाइफ। लेट्स सी फॉर द प्रोफेशनल लाइफ। ओके, ये कार्ड, दो कार्ड्स आए हैं आपके लिए। वी हैव द गार्डन एंड द गेट, एंड वी हैव मैजिशियन एंड द मिरर, रियली नाइस। चलिए देखते हैं आपके हेल्थ को लेकर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वी हैव, ऑल राइट, हैप्पी फैमिली। ओवरऑल आपके लिए महीना कैसा रहेगा, वी हैव द वर्ल्ड, ओके ओके। यहाँ पे आया है डिसीट की एनर्जी, ओके, यूनिवर्स के तरफ से देख लेते हैं। यूनिवर्स क्या कहना चाहती है आपको? ओके, वी हैव टू कार्ड्स फॉर योर पर्सनल लाइफ, वी हैव द ड्रीम एंड द सोर्स। ओके ओके, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए वी हैव द थंडरबोल्ट। ओके,
We have the Fool card. Okay, for health, Tower, happy family and Fool. और ओवरऑल के लिए आपके लिए आया है गाइडेंस. ऑल राइट. और यहाँ आपके लिए बॉटम में से आया है कंट्रोल. तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले इन कार्ड्स की. मैंने कार्ड्स निकाले और आपको बताया नहीं, तो लेट्स स्टार्ट विथ योर पर्सनल लाइफ. आपके लिए सबसे पहले जो मेजर आर्काना से कार्ड आया है, कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस का. उसके साथ में आया है एंजल ऑफ लव विद ड्रीम एंड द सोर्स. तो अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वाले कि आप लोग हाईली इंट्यूटिव हैं. इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छे से काम करती है. ऐसा नहीं है कि पहले नहीं करती थी, पहले भी करती थी. आपको आपकी इंट्यूशन हमेशा गाइड करते. ऑल्दो ऐसा भी होता होगा कि कोई भी सिचुएशन, जरूरी नहीं है कि पर्सनल लाइफ को लेकर भी, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी, रास्ते में चलते चलते भी, बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस आपकी जिंदगी में हुए होंगे जहां पे कहीं ना कहीं आपकी जो सिक्स सेंस, जिसे हम कॉमन भाषा में कहते हैं, आपकी जो इंट्यूशन जो है आपको पहले से ही आगाह कर देती है कि क्या होने वाला है, या फिर इस सिचुएशन का एंड क्या है, या फिर इसका एंड रिजल्ट क्या है, आपको पहले से ही पता रहता होगा. बट आपने कहीं ना कहीं बहुत ही लंबे समय तक अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनी है और उसका भुगतान भी आप आज कर रहे हो. हो सकता है उसकी गलती कहीं ना कहीं आपने दूसरों पर दी है कि ये दूसरे के वजह से हो गया, या फिर ये उसने कुछ ऐसा कहा इसलिए हो गया. बट कभी आप ये नहीं देखते कि यूनिवर्स ने हमेशा आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है. यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपको हमेशा गाइड करने की कोशिश की है. आपने हमेशा इस पॉइंट को इग्नोर किया है. तो अभी जो फरवरी का मंथ है आपके लिए, जो आ रहा है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वो कुछ ऐसा है कि आपकी इंट्यूशन को ऑलरेडी, यू नो, आपकी इंट्यूशन जो है उसने ऑलरेडी आपको हिंट देकर रखा है. काफी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि आपके लाइफ में कौन है. अगर ऑलरेडी कोई है तो यस, यही वो पर्सन है जो आपके सपनों के राजकुमार या राजकुमारी है. और यूनिवर्स भी आपको यही बताना चाहते हैं दैट ही इज द वन और शी इज द वन. अगर कोई नहीं है तो आपके ड्रीम के थ्रू अगर आपको कोई मैसेज मिलता है, कोई संदेश मिलता है, तो उस पर फॉलो करने की कोशिश करें. वो कहीं ना कहीं आपको राइट दिशा बनाने वाला है फरवरी के मंथ में कि कौन है. इफ यू आर सिंगल, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके लिए यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि कोई भी रिश्ता ना अकेले एक इंसान के, यू नो, पूरी मेहनत से नहीं बनता. हमेशा दूसरे इंसान का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है. यहां पर मुझे कहीं ना कहीं, अगर आप मैरिड हैं तो मुझे आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को अपना 100% टाइम, या फिर वो जो टाइम मांगते हैं, या फिर वो जो आपका इन्वॉल्वमेंट मांगते हैं ना, वो आप कहीं ना कहीं नहीं दे पा रहे हो. ऐसा हो सकता है कि आप अपने काम में या फिर दूसरे काफी चीजों में इतने ज्यादा व्यस्त हो कि आपकी पर्सनल लाइफ में एक दूरी सी आ गई है. तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपसे ये कहना चाहती है कि फरवरी का जो मंथ है, ऑल्दो फरवरी का मंथ को प्यार का महीना भी कहा जाता है, वैलेंटाइंस, और कहीं ना कहीं आपके लिए एंजल ऑफ लव का भी कार्ड आया है. तो आप अगर मैरिड हो और अगर पहले थोड़े बहुत डिफरेंसेस रहे हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में, तो वो इस महीने सुधरने वाला है. इट्स गोइंग टू ब्लॉसम अगेन. फिर से चीजें बदलने वाली है और आपके लिए कहीं ना कहीं चीजें अच्छी होने वाली है. तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए, उनके ड्रीम के थ्रू यूनिवर्स आपको मैसेज भेजेगी. आपकी इंट्यूशन को जरूर ध्यान दीजिएगा. अगर आप कमिटेड हैं तो कहीं ना कहीं आप जिनको लेकर सोच रहे हैं, जिनको लेकर आपको लग रहा है, तो यस, यूनिवर्स आपसे हाँ कहना चाहती है कि जी हाँ, यही है वो. और ओवरऑल जो आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो अच्छी है. फैमिली के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा रहेगा. फैमिली, आपका जो भी सोशल सर्कल है वो भी काफी अच्छा रहेगा. और कहीं ना कहीं हर रिश्ते की अहमियत को आप समझोगे इन द मंथ ऑफ फरवरी. चलिए बात करते हैं अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ की. तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही रिसेंटली काफी लोगों के लिए ऐसा हुआ होगा कि आपने जॉब चेंज किया है, किसी हायर रैंक पे आप गए हो, या फिर जॉब शिफ्ट की है, या फिर प्लान कर रहे हो. बट कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है ना कि अभी करंटली जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना,
या फिर हो सकता है कि जब आप फरवरी में इस रीडिंग को देखो, तो जो अभी देख रहे हैं जब मैंने रीडिंग दी है, तो प्रेजेंट की सिचुएशन तो ये बता रही है ना कि एक कुछ हुआ है, यानी कि हो सकता है कि आपके बॉस, आपके कलीग, आपके लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको खुद में डाउट हो रहा है कि मैंने तो बहुत सोच समझ कर ये जॉब लिया है, बहुत ही प्लान करके लिया है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था, आपको वो सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा, आपको वो बैलेंस क्यों नहीं मिल रही। क्योंकि गाइस मैं बताना चाहूंगी कि यूनिवर्स की एक यूनिवर्स का एक नियम होता है, और वो नियम ऐसा होता है कि पहले ना यूनिवर्स परखती है कि आप कितने अच्छे हो, आप क्या कर सकते हो, आपने जो यूनिवर्स से मांगा, अगर यूनिवर्स ने आपको वो दे दिया, मान लो आपने, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मान लो आपने यूनिवर्स को बोला कि मुझे इतने पैकेज का जॉब चाहिए, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, अब आपको वो मिल गया, राइट आपको मिल गया एंड यू विल सो हैप्पी, आप बहुत खुश हो कि वाओ मुझे ये जॉब मिल गया, ये मेरा ड्रीम जॉब था, और वाओ मतलब यू वर लाइक इन क्लाउड नाइन में आप हो, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको टेस्ट भी तो करेगी कि डू यू डिजर्व दिस जॉब, राइट। तो कहीं ना कहीं अभी आपका टेस्टिंग टाइम चल रहा है, तो फरवरी के मंथ में आपका टेस्ट जरूर होगा, यूनिवर्स टेस्ट आपको करेगी कि आप सच में इस जॉब के लायक हो या फिर आपने सिर्फ मांगा आपको मिल गया, क्योंकि यूनिवर्स भी हमें वही देती है जो हम एक्चुअल में डिजर्व करते हैं, और कभी कभी यूनिवर्स हमें टेस्ट करने के लिए चीजें देती हैं। तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में अबंडेंस है, जी हाँ मैं ये बार बार बोलूंगी, आपके प्रोफेशनल लाइफ में फरवरी में अबंडेंस है, स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है। काफी लोग तो ऐसे है कि कुछ खरीदोगे भी आप, पैसे रुपए भी इन्वेस्ट करोगे, बट कहीं ना कहीं आपका टेस्ट होगा, और ये ऐसा आपको महसूस भी होगा कि मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा, मुझे कोई गाइड नहीं कर रहा, क्योंकि यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहती है ना कि अब तक जो आपने सीखा, अब तक जो अपने कामकाज में समझा है, उससे आप कितना सीख पाए, उसका कितना आप रिजल्ट दे पाओगे, कितना इनपुट दे पाओगे, इस चीज की टेस्टिंग होनी है आपकी। आपके साथ बुरा कुछ नहीं होगा, ना आपको जॉब से निकाला जाएगा, ना फिर ऐसा होगा कि यू नो कि बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, नहीं, सामने वाले के पास ये एनर्जी नहीं है कि आपको वो कर पाए, क्योंकि आप मेहनती तो हो, मेहनती बिल्कुल हो, कभी कभी चॉइसेस में जब आपको चॉइसेस दिए जाते तब थोड़े से आप फ्लिकर करते हो, ओवरऑल आपके लिए अच्छा है। तो आप यूनिवर्स से अगर कुछ मांगना चाहते हो अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए, चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, उसमें आपने जो चाहा वो आपको मिल गया है या फिर आने वाले वक्त में मिलने वाला है, तो आपको टेस्ट भी किया जाएगा, और अगर आप इस टेस्ट पर खड़े उतरे, अगर आप सही हो और कुछ गलत नहीं मांग रहे, तो ऑफकोर्स उसका रिवॉर्ड भी आपके लिए है इन द मंथ ऑफ फरवरी। हेल्थ को लेकर मैं कहना चाहूंगी, स्पेशली आपकी फैमिली के हेल्थ को लेकर के, अपनी फैमिली की हेल्थ का जरूर से ध्यान रखें, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आपकी फैमिली में उनके हेल्थ को लेकर, प्रॉपर चेकअप, आपके फादर मदर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स अगर रहते हैं, इनके बावजूद अपने खुद का भी आप अपना हेल्थ का, अपनी फैमिली को लेकर स्पेशली हेल्थ वाइज, आप सब जिनको भी फैमिली मानते हैं उन सबके हेल्थ का ध्यान जरूर रखें, और अगर आप प्रॉपर चेकअप और सब कुछ अगर टाइम से कराते हो तो ओवरऑल एनर्जी आपकी अच्छी है। बट हेल्थ के लिए अलर्ट भी है कि अगर आपने कहीं भी इग्नोर करने की कोशिश की फिर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा। ऑलराइट, आपकी ओवरऑल एनर्जी आई है डेविल की, और मैं डेविल के कार्ड को बिल्कुल बुरा नहीं मानती, क्योंकि डेविल का कार्ड है न्याय, मैं तो मानती हूँ डेविल को न्याय के देवता शनि, और डेविल कहीं ना कहीं बात करते हैं सच्चाई की, और डेविल कहीं ना कहीं बात करते हैं कि आप क्या हो, व्हाट इज द रियल यू, आपकी रियलिटी क्या है, आपकी सच्चाई क्या है, और उस सच्चाई के बेसिस पर आपको परिणाम मिलता है। तो ये जो आपके लिए पूरा महीना रहेगा अर्थ साइन, ये सिर्फ टेस्टिंग का रहेगा, आपके हर चीजों में आपको ऐसा फील होगा कि मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है या फिर मेरे साथ कोई गलत कर रहा है। विक्टिम मत होने की कोशिश कीजिएगा किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही जिसमें आप विक्टिम हो। आपके लिए एनर्जी बहुत सही है, अगर आप सही दिशा में आगे बढ़ोगे, अगर कहीं ना कहीं आप अपने रास्ते पे ट्रू रहोगे, ट्रू इंटेंशंस लेकर चलोगे, तो आपके साथ गलत हो ही नहीं सकता। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें, और इस बात पर विश्वास भी जरूर करें कि यूनिवर्स कभी अच्छे लोगों के साथ गलत नहीं करती है, अनलेस आपने कुछ किया हो। आपके लिए ओवरऑल एनर्जी जो है वो अच्छी आई है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि हाँ
पहले जैसे हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला हो, पास के रिलेशनशिप्स अच्छे ना रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ में आपने जो काम करना चाहा वो आपको वो सपोर्ट नहीं मिला जो सपोर्ट आप ढूंढ रहे हो, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स भी दे रही है, साथ में लेसन्स भी दे रही है. तो इस बात का ध्यान आपको रखने की आने वाले वक्त पे ज़रूरत है, ज़रूर रखे. और इस चीज़ से चिड़चिड़ाए नहीं और इस चीज़ के लिए को लेकर ओवर रिएक्ट मत करें, क्योंकि जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है. चलिए देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या कार्ड्स आता है. वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी ही क्लैरिटी. वी हैव द एम्परर, मुझे लग ही रहा था एम्परर आएगा. वी हैव द एम्परेस एज वेल, ओके ये कार्ड आना चाहता है. वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके. वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके. पेज ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव मैजिशियन अगेन. हमारे पास ऑलरेडी एक बार मैजिशियन था, वी हैव मैजिशियन अगेन. बॉटम से आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, दो दो एसेस के कार्ड आए हैं गाइस. तो इसका मतलब यही होता है ना कि ओवरऑल एनर्जी जो है आपकी अच्छी रहेगी. दुविधा में थे, क्लैरिटी आएगी, पैसा रुपए भी आएगा, नया काम शुरू करना चाहते हो नए काम की शुरुआत भी होगी, मैनिफेस्टेशन अगर किसी चीज को लेकर लंबे समय से कर रहे थे वो भी पूरा होगा. सिंगल हो तो किसी पार्टनर को अगर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो लंबे समय से, ये काम भी आपका बनेगा. और कहीं ना कहीं हो सकता है लव लाइफ में आपको चॉइसेस मिले किसी दो पर्सन को लेकर. एक हो सकता है आपसे उम्र में बड़े हो और एक हो सकता है कि उन सोच से बहुत ज़्यादा मैच्योर हो. चॉइस आपके हाथ में ही कि आप किसे चूज करते हैं, और जिसे भी करोगे कहीं ना कहीं सोच समझ कर करना, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करना, सिर्फ अट्रैक्शन के ऊपर मत चले जाना. ये आपके लिए गाइडेंस भी आ रहा है. और ओवरऑल एनर्जी, अगर नया कुछ स्टार्ट करना चाहते हो सही वक्त है, सही समय है, बिल्कुल कर सकते हो आप, नो डाउट. और कहीं ना कहीं एक मैनिफेस्टेशन भी आपकी पूरी हो रही है. अब आपकी ये पर्सनल लाइफ को लेकर है या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं नहीं कह सकती कि हाँ बिल्कुल पर्सनल को लेकर ही या प्रोफेशनल को लेकर, ये नहीं. ये आपको अच्छे से पता है कि आपकी जो विश है वो किस चीज को लेकर है. ऑलराइट, ओवरऑल आपके लिए कार्ड्स अच्छे आए हैं. अट्रैक्टफुल रहोगे लोगों का ऑरा, आप लोगों को आप अट्रैक्ट भी करोगे आपके ऑरे से, ऑरा से लोग अट्रैक्ट भी होंगे. कहीं ना कहीं ऐसे लोग को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कहीं ना कहीं अबंडेंट है. तो ऐसे भी लोग को अगर आप अपनी जिंदगी में चाहते हो तो ऐसे लोग को भी आप अपने पास पाओगे. ऑलराइट, आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज. तो यस, चेंज आ रहे हैं आपके लाइफ में, बदलाव आ रहा है. मैंने बोला भी था कि यस आपके लाइफ में बदलाव है, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में है, बट मेहनत करनी पड़ेगी. लुक एट द बिगर पिक्चर, अब भी मैंने बोला कि मेहनत करनी पड़ेगी. तो यस, थोड़ा सा ब्रॉडली सोचे, आंसर्स आपके पास ही है. इमोशंस आर रनिंग है, इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन ना ले, वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा. चलिए यूनिवर्स के तरफ से कुछ कार्ड देख लेते हैं. चैनल मैसेजेस क्या है ये कार्ड आना चाहता है. लेट्स सी, करेज. यहाँ लिखा है आपके लिए कि लिव योर लाइफ फियरलेसली विद करेज, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन. अपनी जिंदगी को खुलकर जिए, डर कर बचिए, हिम्मत मत हारे, स्ट्रेंथ बनाए रखे, डिटर्मिनेशन रखे, तो आपका हर सपना होगा पूरा. वाओ, वी हैव ट्रूथ, क्या कॉम्बिनेशन है. यहाँ लिखा है सी योर लाइट, नो योर पावर, हैव द करेज टू वॉक थ्रू योर ट्रूथ. तो अपने लाइट को देखे, जो यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रही है उस पर ध्यान दे. ऑलराइट, अपने पावर को पहचाने. अगर आप नहीं जानते हैं तो अपने पावर को पहचाने और हिम्मत रखे कि जो सच है उसका साथ देकर आगे बढ़े, तो आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. ऑलराइट, और ओवरऑल आपके लिए जो बॉटम ऑफ द डेक आया है वो सन का आया है. इसका मतलब फरवरी के एंड में आपको ऐसा लगेगा कि जो भी हुआ ना पूरी फरवरी में अच्छा ही हुआ. हम कहते हैं ना कभी कभी एक बहुत सारी चीज बहुत सारी परेशानियां जब हमारी जिंदगी में होती है, बट जब उसका आउटकम बहुत अच्छा आता है तो हम कहते हैं ना कि चलो अच्छा ही हुआ. ओके, अंत भला तो सब भला, बिल्कुल वही आई है आपकी रीडिंग. तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग. होप कि आपको पसंद आई हो. पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा. चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. बाय बाय.